वेरी गुड वेरी गुड। चंपक जी मेरे लिए हमेशा लकी रहे हैं और सबके लिए लकी हैं, सबके लिए लकी हैं, लकी फॉर एवरीवन, इन्होंने फॉर एवरी आर्टिस्ट जी। इन्होंने तब मुझे मौका दिया था जब मुझे कोई जानता नहीं था, तो पहली बार ऑडियो कैसेट चुटकुलों के जो निकले थे वीनस से निकले थे मेरे, उनके टाइटल थे हंसो और हंसाओ, तो वो हिट हुआ, वो हिट हुआ। फिर हम उसको हर 4-5 महीने में एक वॉल्यूम निकाल देते थे, तो कम से कम 20 वॉल्यूम्स निकले। तब ये DVD और CD का ज़माना नहीं था, इतने चैनल्स भी नहीं थे, तो वही बहुत था। तो ऑडियो में मैं उस वक्त हिट हो गया था, ऑडियो हो गया था, थोड़ा नहीं लोग जान पा रहे थे थोड़ा फिर मुझे स्टार वन से मिल गया। तो आप टॉप कॉमेडियन ही रहेंगे या फिर आप सोच रहे हैं कि सिंगर भी इसमें घुस ही जाते हैं? देखिए, हंसाने से पहचान बनी है, तो हंसाना तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा लोगों की खिंचाई करते रहेंगे, नेताओं की खिंचाई करेंगे, क्रिकेटर्स के बारे में बोलेंगे, फिल्म स्टार्स के बारे में बोलेंगे। लेकिन अब जैसे बात हुई, हम लोग जिस जगह पर इस समय आ खड़े हुए हैं ज़िंदगी के जिस मोड़ पे, तो अब ये ज़रूर है कि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेंगे, अब कुछ ना कुछ अपना योगदान सोसाइटी के लिए करते रहेंगे।